ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग करो और ये पूरा लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा डेली का। हाँ तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ ये सही। तो फेसटेक स्टार्ट किया था हमने, और ये लिख चुके हैं। अच्छा ये सब हमने ये लिख लिया था, ये हो गया। और ये भी कॉपी कर लिया था, फॉर्मूला भी लिख लिया है। अच्छा ये भी कॉपी कर लिया था यहाँ तक। और अच्छा ये कैलकुलेशन थी, मैंने आपको समझा दी थी ना, और उसका शॉर्टकट क्या बनाया था हमने, तो शॉर्टकट क्या था? हाँ जो वैल्यू फाइंड करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू गिवन है उसकी परसेंटेज से डिवाइड कर। तो किसी भी वैल्यू से डायरेक्ट कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अच्छा ये तीन क्वेश्चंस किए थे हमने। सेकंड और ठीक, अच्छा इसके बाद फिर एग्जाम किट की थी ना, एग्जाम घर से एमसीक्यूज किए थे। अच्छा अब इनकी एंट्रीज और टी अकाउंट बना लेते हैं, एंट्रीज और टी अकाउंट, और उसके बाद बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेल्स की एंट्रीज से। ठीक, अच्छा ये सेल्स की एंट्री बनाएंगे, और नेट अमाउंट है 800, वेट 140, ग्रॉस अमाउंट 940। अच्छा वैसे सेल्स की एंट्री होती क्या है नॉर्मली? सेल्स क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाते हैं ना। अच्छा तो यहाँ भी एंट्री वही रहेगी, सेल्स क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल को तो डेबिट ही करेंगे। वेट किस साइड पर आएगा? सेल्स टैक्स जी। अच्छा देखिए इस वक्त हम कौन है? सेलर, हम सप्लायर हैं, कस्टमर को गुड सेल कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने कस्टमर से वेट रिसीव किया ना, अब ये हम क्या करेंगे इस वैट का, अपने पास रखेंगे या गवर्नमेंट को देंगे? तो यहाँ पे एक लाइबिलिटी आ गई ना, कि कस्टमर से जो सेल्स टैक्स हमने रिसीव किया वो हमें गवर्नमेंट को पे करना है, तो लाइबिलिटी आ गई। ठीक है, अच्छा कस्टमर से रिसीव कितने करेंगे, कस्टमर से कितने रिसीव करेंगे? 940 या 800? 940। तो रिसीवेबल्स तो डेबिट होंगे आपके 940 से, कैश या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 940। अच्छा इस 940 में हमारी इनकम कितनी है? 800 हमारी इनकम है सेल्स, तो सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी 800 से, और 140 लाइबिलिटी हो गई हमारी, तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी 140 से। ठीक है क्लियर, ये एंट्री कॉपी कर लें।
कॉपी कर लिया। अच्छा ये हो गई सेल्स की एंट्री, अब हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न की एंट्री। अच्छा अब हमने 800 की गुड्स सेल की थी जिसमें से कस्टमर ने 200 की गुड्स रिटर्न कर दी, ठीक। तो 200 नेट अमाउंट बैड इसका है 35, टोटल हो गया 235। अब क्या एंट्री होगी? सेल्स रिटर्न डेबिट, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे। अच्छा वैट कहाँ आएगा? वैट के साइड पर आएगा, डेबिट होगा। लाइबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। देखिए अब हमने गुड्स सेल की थी तो उस वक्त कस्टमर से टैक्स रिसीव कितना किया था? 140 का। अब रिटर्न के टाइम पे हम 35 कस्टमर को रिटर्न कर देंगे ना, और जब कस्टमर रिटर्न करेगा तो हम उसको कितने पैसे देंगे? 235 देंगे ना। 235 में 35 का टैक्स भी चला गया, तो कस्टमर से हमने टैक्स रिसीव किया था 140, और अब रिटर्न के टाइम पे 35 कस्टमर को रिटर्न कर रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट को कितना देना होगा? 140 में से 35 माइनस हो जाएंगे तो 105 गवर्नमेंट को पे करना होंगे ना। अब लाइबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो गई ना, कम हो गई। तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो वैट डेबिट हो जाएगा, और अकाउंट रिसीवेबल या कैश क्रेडिट हो जाएगा 235। ठीक है, सेल्स के टाइम पर हम सेल्स टैक्स रिसीव करते हैं तो हम पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है हमारी, और रिटर्न के टाइम पे हम कस्टमर को टैक्स वापस कर देंगे तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। क्लियर? नहीं। परचेज की एंट्री बनाते हैं। अभी हमने गर्ड्स परचेज की, नेट अमाउंट 400, वैट 70, टोटल हो गया ग्रॉस अमाउंट 470। अच्छा परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अच्छा वैट किस साइड पे आएगा? वैट किस साइड पर आएगा? अब इस वक्त ये वैट हमारे लिए क्या है? एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस। क्यों? देखिए इस वक्त हम एज अ बिजनेसमैन बात कर रहे हैं ना, ट्रांजेक्शन कस्टमर नहीं है हम। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था गवर्नमेंट की इनकम होती है, कस्टमर का एक्सपेंस होता है। बिजनेसमैन के लिए तो लाइबिलिटी होगी पेबल या रिफंडेबल एसेट होता है। तो ये अब हमारे लिए रिफंडेबल है या पेबल है? 70 पेबल क्यों है? सप्लायर को तो हम पे कर कर आए ना, गुड्स परचेज की हमने 400 की टैक्स चार्ज हुआ 70, तो सप्लायर को कितना पे करेंगे हम? गुड 70, तो ये तो हमने सप्लायर को पे कर दिया। अब तो गवर्नमेंट से रिफंड लेंगे या नहीं? बिजनेस में, हाँ बिजनेस मैन एज अ बिजनेस मैन बात कर रहे हैं ना, परचेज पे लग रहा है एक्सपेंस थोड़ी होगा ना, बता दे कंज्यूमर के लिए एक्सपेंस होता है, सिर्फ कंज्यूमर के लिए, बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंस नहीं होता। लाइबिलिटी होगी या रिफंडेबल है तो एसेट हो जाएगा, पेबल है तो लाइबिलिटी, रिफंडेबल है तो एसेट। लेकिन ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, आप समझाता हूँ। ये फॉर्मूला क्या था हमारा? वैट पेबल और रिफंडेबल इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो अब ये पेबल अगर आ रहा है आंसर तो लाइबिलिटी है, और रिफंडेबल है तो एसेट होगा ना। तो बिजनेसमैन के लिए या तो लाइबिलिटी है या फिर एसेट है, एक्सपेंस नहीं होता, एक्सपेंस कंज्यूमर के लिए। अच्छा देखिए इसको मैं सर आपको यहाँ समझाता हूँ फॉर्मूले से। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी एक्सपोर्टर की ना। अच्छा सपोज कर लेंगे हमने गुड्स परचेज की, सेल्स आउटपुट टैक्स है हमारा कितना? 10,000, इनपुट टैक्स है 6,000। अब आंसर क्या आएगा? 4,000 क्या होगा? पेबल। अच्छा पेबल क्यों होगा?
क्यों होगा? पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि आउटपुट ज्यादा है, सेल ज्यादा है, आउटपुट ज्यादा है, तो इसलिए पेबल हुआ ना। तो इसका मतलब आउटपुट की नेचर क्या हो गई? आउटपुट टैक्स की नेचर क्या है? पेबल की नेचर हो गई ना आपकी। देखिए मैथ्स आप लोगों ने पढ़ी है, एक अगर साइन पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, तो साइन कौन सी लगती है? आंसर के साथ कौन सा साइन लगता है? बड़ी वैल्यू का साइन लगता है ना। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी है? आउटपुट टैक्स। हम क्या कह रहे हैं इस वक्त, ये 4000 क्या है? पेएबल, ठीक। और साइन कौन सी लगती है? बड़ी वैल्यू की। बड़ी वैल्यू कौन सी है? आउटपुट। तो आउटपुट की नेचर क्या होगी? पेएबल की नेचर हो गई ना, कि सेल करते वक्त कस्टमर से जो टैक्स आप रिसीव करते हैं वो आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है, पेएबल हो गया। सही है। अच्छा अब हम सपोज कर लेंगे इनपुट को हम बढ़ा देते हैं, इनपुट कर देते हैं 16,000। आंसर क्या आएगा? अब ये क्या होगा? अब ये रिफंडेबल हो गया। अच्छा रिफंडेबल क्यों है? क्योंकि इनपुट ज्यादा है, इनपुट ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया रिफंडेबल। तो आज का मतलब इनपुट की नेचर क्या हुई? इनपुट की नेचर रिफंडेबल की हो गई ना, एसेट। सही, तो इसको लिख लेते हैं सर आपसे। तो आउटपुट की नेचर है पेएबल, और इनपुट की नेचर क्या होगी? और इनपुट की नेचर हो जाएगी रिफंडेबल, ठीक है। अब दोनों में से जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो हमारा आंसर बन जाएगा। हम क्या करते हैं, पेएबल में से रिफंडेबल माइनस करेंगे। अगर पेबल ज्यादा हुए तो गवर्नमेंट को पे कर देंगे, रिफंडेबल ज्यादा हुए तो गवर्नमेंट से रिफंड ले लें, ऐसे ही होगा। इसका मतलब क्या, आउटपुट अगर हम इनकी इंडिविजुअल नेचर की बात करें तो आउटपुट की नेचर क्या है? पेबल। और इनपुट की नेचर रिफंडेबल। फिर हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, अगर आउटपुट ज्यादा है तो पेबल होगा, इनपुट ज्यादा होता है तो रिफंडेबल, ठीक है। तो ओवर इंडिविजुअल नेचर की बात करेंगे तो आउटपुट टैक्स पेबल होगा और इनपुट टैक्स रिफंडेबल, ठीक है। तो अब हम एंट्री बनाएंगे जब परचेज के टाइम पर, तो परचेज की एंट्री बनेगी तो उसमें वैट कहाँ आएगा? अब ये इनपुट है ना, इनपुट क्या होगा? रिफंडेबल, तो डेबिट पे आ जाएगा। अब ये आपका एसेट है ना, कि परचेज करते वक्त हमने सप्लायर को पे किया तब हमें गवर्नमेंट से रिफंड लेना होगा, तो रिफंडेबल है तो ये डेबिट पर आएगा। परचेजेस डेबिट होंगी, वैट डेबिट हो जाएगा, और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। कंफ्यूज है अभी भी आप? दोबारा समझा देता हूँ। एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी एक्सपोर्टर की, याद है? एक्सपोर्टर की एग्जांपल दी थी। अच्छा अब आपने क्या किया, देखिए गुड्स एक्सपोर्ट्स पे क्या होता है, टैक्स कितना लगता है? जीरो ना। अच्छा तो आउटपुट टैक्स तो हमेशा क्या होगा? जीरो। एक्सपोर्टर का आउटपुट टैक्स हमेशा जीरो। अच्छा इनपुट था आपने परचेज करते वक्त पे किया 10,000, आंसर क्या आएगा? -10,000। तो ये क्या होगा? रिफंडेबल। रिफंडेबल क्या है? एसेट हो गए। तो ये डेबिट पे आएगा क्रेडिट पे आएगा? डेबिट पे आना चाहिए ना, 10,000 का आएगा डेबिट पर। और इनपुट टैक्स कब पे करते हैं? परचेज के टाइम पर। तो परचेजेस के टाइम पर जो टैक्स पे करेंगे वो इनपुट होगा, और इनपुट क्या हो जाएगा आपके लिए? रिफंडेबल। तो रिफंडेबल की नेचर क्या होगी? एसेट। तो एंट्री में कहाँ आएगा? डेबिट पे। कि परचेज के टाइम पर जो टैक्स आप पे कर रहे हैं वो आपके लिए क्या है? रिफंडेबल एसेट। रिफंडेबल बिजनेसमैन के लिए, और जब वो सेल करेगा तो वो आपके लिए पेबल होगा। तो बिजनेसमैन जब भी परचेज के टाइम पर टैक्स पे करेगा तो वो उसके लिए रिफंडेबल हो। क्लियर? अब ये एंट्री में कहाँ आएगा? डेबिट साइड पे। अब हम बनाते हैं परचेजेस की एंट्री। अब इसकी एंट्री होगी परचेजेस डेबिट, और अकाउंट वैट डेबिट होगा, और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट होता है, ठीक है। ये एंट्री कॉपी कर लें हम।
अब परचेज रिटर्न की एंट्री बनाएंगे, परचेज रिटर्न में अब क्या होगी, एंट्री रिवर्स हो जाएगी, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट और वैट क्रेडिट। क्योंकि जब हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न करेंगे तो वो हमें वैट के साथ पैसे देगा, ठीक है, तो रिफंडेबल हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। कैरेज कन्वर्ट तो परचेज के लिए होता है, कैरेज कन्वर्ट तो परचेज के लिए होता है। हमने पूरा मंथ सेल परचेज रिटर्न करते रहे, अब मंथ एंड हुआ, मंथ एंड पे हमने ये फॉर्मूला लगाया, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आंसर आया वैट पेबल। ठीक, अब हम गवर्नमेंट को वैट पे कर रहे हैं, अब क्या एंट्री बनेगी जब गवर्नमेंट को पे करेंगे, अब गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी, तो वैट आपका डेबिट हो जाएगा, वैट पेबल और कैश या बैंक क्रेडिट, ये आपकी पेमेंट की एंट्री हो जाएगी, वैट डेबिट कैश क्रेडिट। कॉपी कर लिया। अच्छा, ये तो हो गई पेमेंट का एंट्री। अच्छा, अब हमने वही फॉर्मूला लगाया, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आंसर आया वैट रिफंडेबल, अब गवर्नमेंट हमें रिफंड कर रही है, तो अब रिफंड की एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट होगा, कैश या बैंक डेबिट और वैट रिफंडेबल क्रेडिट। तो ये हो गए रिफंड की एंट्री। अच्छा, ये तो हो गई इसकी एंट्रीज, अब हम बनाएंगे एक वैट का, सेल्स टैक्स का, टीआर का। अच्छा, इसका अगर ओपनिंग बैलेंस हो आपके पास, क्वेश्चन में गिवन हो के वैट पेबल एट स्टार्ट, ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा, ओपनिंग बैलेंस पेबल क्रेडिट होगा, और अगर वैट रिफंडेबल है तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो इस क्वेश्चन में देता है कि वैट पेबल एट द स्टार्ट तो क्रेडिट बैलेंस होगा और रिफंडेबल में डेबिट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब सेल्स की एंट्री बताएं, सेल्स के टाइम पर वैट कहाँ रिकॉर्ड हुआ, अब जो एंट्रीज हमने बनाई है वो पोस्ट करेंगे ना, पहले सेल्स की एंट्री पे आ जाएं, वैट कहाँ आ रहा है, क्रेडिट पर, क्रेडिट हो गया, और सेल्स रिटर्न के टाइम पर वैट डेबिट हो रहा है, ठीक, और परचेजेस के टाइम पे वैट डेबिट, परचेज रिटर्न के टाइम पर वैट क्रेडिट हो गया, और पेमेंट के टाइम पर वैट डेबिट हो रहा है, और रिफंड के टाइम पे वैट क्रेडिट हो गया। ठीक, ये एंट्रीज पोस्ट हो गई, अब अकाउंट क्लोज करेंगे। अच्छा, बिजनेस है, ओपनिंग बैलेंस किसी भी साइट पर आ सकता है, तो इसी तरह क्लोजिंग बैलेंस भी किसी भी साइट पर
आ सकता है, तो मैंने दोनों साइड पे लिख दिया है। तो ये इसका एक कंप्लीट फॉर्मेट आ गया, सेल्स टैक्स का, वैट का। ठीक है, ये कॉपी कर लें हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 109, इसका आंसर बताएं। उसमें एंट्री क्या होगी? कंपनी सोल्ड गुड्स टू द वैल्यू 500 टू हार्पर। तो ये एक कंपनी हो गई सप्लायर, और ये हार्पर कौन है? बायर हो गया, कस्टमर। डेबिट सी, हाँ सी आंसर आएगा, क्योंकि रिसीवेबल्स हम डेबिट करेंगे ग्रॉस अमाउंट से ना, रिसीवेबल डेबिट होगा ग्रॉस से। तो 500 नेट अमाउंट है, इसका वैट कैलकुलेट कर लें 17.5%, 85 आएगा, ऐड कर लेंगे ग्रॉस बन जाएगा 587, 87। अब ये एक क्वेश्चन है 110, इसमें बनेगा आपका टी अकाउंट। ठीक है, लेकिन ऊपर पहले रेट दे दिया उसने, इसके बाद यहाँ लिखा है आउटपुट मीन्स यहाँ पर सेल्स टैक्स, वो सेल्स, और इनपुट परचेजेस। ठीक है, तो नीचे लिखता है कि एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड रामसगेट ओड 3,400 टू द टैक्स अथॉरिटीज, एंड ड्यूरिंग द पीरियड ही हैज पेड 2,600 टू देम। रिक्वायरमेंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, व्हाट इज द अमाउंट ड्यू टू टैक्स अथॉरिटीज। तो इसमें हम ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, पेमेंट है सेल, परचेज गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए हम बनाएंगे पी अकाउंट। अच्छा, पी अकाउंट से पहले इसकी वर्किंग कर लेते हैं, पहले हम इसका आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद पी अकाउंट बनाकर क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर लेंगे। 110, अब लिखते हैं आउटपुट टैक्स। सेल्स कितनी है? 60,000, मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 से। अच्छा, डिवाइड किससे करें? 17.5, ये लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, एक्सक्लूसिव, तो एक्सक्लूसिव नेट होता है, तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अमाउंट बताएं कितना बन रहा है, आंसर इसका क्या रहेगा? 10,500। ठीक है, आउटपुट टैक्स आ गया, उसके बाद इनपुट टैक्स। तो क्या परचेजेस कितनी है? 40,286, मल्टीप्लाई करेंगे 17.5। अच्छा, डिवाइड कैसे होगा? हाँ, अब ये है इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, तो अब हम 117.5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर 6,000 आ जाएगा इनपुट टैक्स। अब टी अकाउंट बनाएंगे, सेल्स टैक्स का टी अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, इसमें ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पर आपको एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड ओड 3,400 टू द टैक्स अथॉरिटीज। ये पेबल है, रिफंडेबल है, पेबल हो जाएगा ना, ओड टू है, ओड टू मीन्स पेबल। तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड पर। ठीक है, अच्छा अभी हमने आउटपुट टैक्स कैलकुलेट किया, वेट ऑन सेल्स, ये किस साइड पे आएगा? डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट होगा ना, वेट ऑन सेल्स, सेल्स क्रेडिट है तो वैट ऑन सेल्स क्रेडिट। इसके बाद ये इनपुट टैक्स मीन्स वैट ऑन परचेज डेबिट हो जाएगा, 6,000 डेबिट हो गए। तो इसके बाद ये पेमेंट बता रहे हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ही हैज पेड 2,600 टू देम। ओके, पेमेंट हो रही है तो सेल्स टैक्स डेबिट होगा, क्रेडिट डेबिट होगा, क्योंकि जब पे करेंगे तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, डेबिट हो जाएगा 2,600 से। ओके, जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो बैलेंस कर लेते हैं, क्लोज करते हैं, इसके बाद बैलेंस करेंगे।
क्रेडिट साइड का टोटल कैरिंग कितना बन रहा है? 13,900, 13,900, इसमें से डेबिट साइड माइनस करें, बैलेंस कितना आ रहा है? 8,000, पता लग रहा है, 5,300 सही है, ठीक है, ये कैरी डाउन और ये इसका ब्रॉड डाउन हो जाएगा। अच्छा, अब ये 5,300 पेबल है या रिफंडेबल है? पेबल होगा, क्रेडिट पे आ रहा है ना, ब्रॉड डाउन क्रेडिट है तो ये पेबल हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आप कॉपी कर लें और अटेंडेंस भी दे दें, आज कंप्लीट कर देना। अच्छा, इसमें ठीक है, कौन सा वन 36, पहले तो टैक्स कैलकुलेट कर लेते ना। अब सेल्स कितनी है? सेल्स है 72,145 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, ठीक है, तो टैक्स कैलकुलेट करते हैं पहले तो, वैट ऑन सेल्स, ठीक है, सेल्स कितनी है? 72,145 मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 से और डिवाइड, हाँ इंक्लूडिंग है तो 117.5, कितना आ रहा है, कितना? 17.5। अच्छा, इसके बाद आप वेट ऑन परचेज, परचेजेस कितनी है? 54,200 मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 से और डिवाइड 100 से, एक्सक्लूडिंग है तो आंसर 9,485, अच्छा ये तो हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। आप टी अकाउंट बनाएंगे, ये मैं ऐसे फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ इसका, सेल्स टैक्स का फॉर्मेट आ गया, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,354 ओपनिंग बैलेंस है, 1,354। अब वेट ऑन सेल्स कितना है? 10,745, वेट ऑन परचेज 9,485 हो गया, ठीक है। पेमेंट तो इसमें नहीं दी हुई, अब इन दोनों का टोटल करते हैं जरा। क्रेडिट साइड का 1,209, 1,209, और फिर से डेबिट साइड माइनस कर दें, कितना आ रहा? 1,426,14 कैरी डाउन, और ये क्रेडिट पे आके ब्रॉड डाउन हो जाएगा 2,614, राइट। तो ऑप्शन क्या था? सी ना, सी करेक्ट आंसर। जी हाँ, लिखा आएगा तो भाई, एक ही बात है, क्योंकि तो उसमें मिस्टेक का चांस है, तो अलग अलग लिखे हैं वो बेहतर है। जी, कॉपी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट
चेक रिफंडेबल का था, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 131 ये सॉल्व करें आप लोग। 131 ओके अच्छा, इसमें डायरेक्ट टी अकाउंट बनेगा, एक बंदे का सी भी आ रहा है। बंदा अवेलेबल करके है, ये 131 गलत क्या आते हैं अवेलेबल करके। अच्छा ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2400 ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिट पे आएगा। ओपनिंग बैलेंस हो गया 24। इसके बाद ये सेल्स टैक्स ऑन सेल्स है, ये क्रेडिट हो जाएगा 1050। इसके बाद ये सेल्स टैक्स ऑन परचेज 900 डेबिट होगा, ठीक है। उसके बाद ये रीपेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स वाज रिसीव 200, ये किस साइड पर लिखें, डेबिट पे या क्रेडिट पे? ये हम पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट हमें हमसे ले रहे हैं? हम ले रहे हैं ना, ये तो रीपेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स वाज रिसीव, आ रहे हैं पैसे, आ रहे हैं, तो कैश डेबिट होगा तो सेल्स टैक्स क्रेडिट होगा। ये रिफंड है असल में, यहाँ लिख भी देता हूँ, ये हम पे नहीं कर रहे बल्कि ये हमें रिफंड मिल रहा है, 200 रिफंड हो रहे हैं ना। अब अकाउंट क्लोज करेंगे 3650। जी नहीं, मैंने क्या बोला, मैंने तो पूछा आपसे, देखिए क्या लिखा हुआ, रीपेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स वॉज रिसीव, कैश रिसीव कर रहे हैं पे कर रहे हैं ये बताएं, कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश क्या होगा, डेबिट, तो वेट क्रेडिट नहीं है, मैंने कब का भी है तो मैंने पूछा था। अब बताएं क्या आएगा आंसर, 2750 ऑप्शन डी। जी इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि पे कर रहे हैं या रिफंड हमें मिल रहा है, तो डी आंसर आएगा। जी ठीक, तो ये मतलब वो मिस्टेक्स हैं छोटी छोटी जो आप लोग एग्जाम में करते हैं, टेस्ट में, जिसकी वजह से मार्क्स कम हो जाते हैं। जी नहीं, वापस दे रही है ना, बस हमने पे किया था, रिफंड हो रहा था, रिफंड हो रहे हैं ना, रिफंड रीपे, पहले हमने पे किया होगा अब वो हमें रीपे कर रही है। हाँ कैश डेबिट होता है ना रिफंड में, कैश डेबिट तो वैट कहाँ जाएगा, क्रेडिट, कैश डेबिट वैट क्रेडिट, क्रेडिट में जाएगा ना, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।